हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल आज लिखेंगे कल में। आज आप लोग के लिए वन लाइनर लेकर आए हैं जो कि सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आइए आप हम लोग देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन को। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में होते हैं कौन सा अलाइनमेंट होता है? तो रोलिंग अलाइनमेंट होता है। सॉफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जर्नल कहते हैं। प्लेन बूश बियरिंग की स्थिति में बियरिंग में बूश को घुमाने से रोकने के लिए उसके साथ क्या फिट क्या सिट उसके साथ क्या फिट रहना चाहिए? तो स्क्रू या की उसके साथ फिट रहना चाहिए। किसी प्रकार के बियरिंग बियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है तो उसे क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट स्लाइड बियरिंग कहते हैं। जहाँ पर आश्रय पॉइंट और बियरिंग के बीच थोड़ा सा एंगुलर मिसअलाइनमेंट या डिफ्लेक्शन आता है वहाँ पर किस प्रकार का बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो सेल्फ अलाइनमेंट उस बियरिंग का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लिमिट और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट्स को क्या कहते हैं? तो असेंबली के बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। ये आपका आंसर है। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। किसी मशीन के घुमाने वाले भागों को सहारा देने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको बियरिंग कहते हैं। कौन सी घर्षण बियरिंग नहीं है? तो जो बॉल बियरिंग है वो घर्षण बियरिंग नहीं है। निडिल रोलर बियरिंग में रोलर की लंबाई व्यास के गुना रखी जाती है कितनी? तो 8 से 10। मशीन में शक्ति पार्सेन के लिए विभिन्न सॉफ्टों पर किसका उपयोग किया जाता है? तो आवश्यकता के अनुसार कैम। घर्षण बेयरिंग किस धातु से निर्मित होता है? तो श्वेत मेटल। जो घर्षण बेयरिंग होता है वो श्वेत मेटल से बनता है। अच्छे बेयरिंग की विशेषता कौन सी है? अच्छे बेयरिंग की विशेषता है कम से कम घर्षण होता है उसमें। अच्छे बेयरिंग की विशेषता कौन कौन सी है जिसमें कम से कम घर्षण होती है? बड़े व्यास की सॉफ्ट के लिए कौन सा बियरिंग उपयुक्त है? तो वो है सेल। यानी बड़े बड़े व्यास के सॉफ्ट के लिए जो उपयुक्त बियरिंग है वो है सेल बियरिंग। अधिक स्पीड के लिए कौन सा बियरिंग उपयुक्त होता है? तो घर्षण रोधी होता है। अधिक स्पीड के लिए घर्षण रोधी बियरिंग को उपयोग में लाया जाता है। बियरिंग का प्रयोग कहाँ किसके लिए किया जाता है? तो शाफ्ट को फ्री चाल देने के लिए हम लोग बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे आपको अपकमिंग वीडियो में।